जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। मरियम नगर में जुआ, 7 आरोपी हुए गिरफ्तार। दोस्ती में युवक पी से करता रहा बलात्कार। दुर्घटना में वृद्ध और युवक की हुई मौत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मरियम नगर में जुआ अड्डे में हुए 7 आरोपी गिरफ्तार। मरियम नगर में चल रहे जुआ आड़ में छापा मारकर सीताबर्डी पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ाया है। मरियम नगर में कुख्यात तुकरेल का जुआ अड्डा चलता है। क्राइम ब्रांच ने गिट्टी कदान के दाबा में कुमखेत गणेश चाचेकर उर्फ गुई के जुआ अड्डे पर छापा मारकर 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर नकदी सहित 21.73 लाख रुपए का माल जब्त किया था। इस कार्रवाई के बाद से तुकरेल का अड्डा भी अस्थायी तौर पर बंद हो चुका था। 13 मई को तुकरेल का अड्डा आरम्भ होने की सूचना पर पुलिस ने मरियम नगर नाले के पास बदिशपाव दस्तक दी। गजानन रंगारी, चुनावी बांपेट, टिमकी, ईशानबाद, अहमद खान, विवेक गवई, अभिषेक बेलारवाली, मरियम नगर सिविल लाइन, शाहरुख, शेख अनवर, कार्तिक, उड़केश्वर, शीतला माता मंदिर, सदर संतोषी, गोडमारे, गुप्ता चौक, रुद्रेश्वर जुआ खेलते हुए मिले। उनमें से नकदी सहित 7,000 रुपए का माल जब्त किया गया। यह कार्रवाई एपीआई जगताप, पीआई एमपीआईएसएस विनोद तिवारी, कर्मचारी गणेश वासु, गणेश रंभारकर, आतंत्र तथा मांडवर घर के साथ चल रही। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। दोस्ती में युवती से किया बलात्कार। नागपुर में अस्पताल में दोस्ती करके युवती पर 3.5 साल बलात्कार किया गया। गणेशपेट पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज किया है। आरोपी प्रतीक त्रिलोक है, जो व्यवहार से दिघोरी का रहने वाला बताया जा रहा है। वही निजी स्कूल में लिपिक है। दिसंबर की 2020 में पीड़ित और प्रतीक के रिश्तेदार नंदनवन के निजी अस्पताल भर्ती थे। इसी दौरान दोनों की पहचान हुई। यह पहचान बाद में मित्रता में बदल गई। प्रतीक ने युवती को शादी करने का झांसा दिया। उसका बर्ताव पसंद नहीं होने की वजह से युवती ने उससे बात करने से मना कर दिया था। प्रतीक ने उसे बाद में धमकी दे रिटेक प्रतीक ने उसे बात बात पर खुदकुशी करने की धमकी देता रहा। इसी धमकी से चलते पीड़ित उससे बात करने लगी। शादी का झांसा देकर प्रतीक ने अलग अलग होटल्स में ले जाकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी से इनकार कर दिया गया। पीड़ित ने गणेशपेट थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बलात्कार तथा धमकाने का मामला दर्ज किया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दुर्घटना में वृद्ध युवक की हुई मौत। नागपुर में सड़क दुर्घटना में वृद्ध सहित 2 लोगों की मौत हो गई। सुगम नगर निवासी गोविंद राज चौधरी मंगलवारी बाजार के गैराज में काम करते थे। वह मंगलवार की सुबह साइकिल से जा रहे थे। खोबरा गड़े चौक पर ट्रक के सामने से साइकिल को टक्कर मार कर जख्मी कर दिया गया। मेयो अस्पताल में उपचार के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जरीपटका पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसी तरह डेकोरेशन व्यापारी मोहम्मद जरीम को उसके कारोबारी से उसका मित्र अशोकपुरा से हिरवी नगर मदद करने आया था। मंगलवारी की रात दोनों यशोधरा के एक लॉन से डेकोरेशन का काम खत्म कर वापस लौट रहे थे। अशोक अपनी एक्टिवा पर सवार होकर घर जा रहा था। चिगली पुलिस के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आकर अशोक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिन्होंने मेयो अस्पताल ले जाया गया। मेयो अस्पताल ले जाते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।